What is up guys? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रिजन में किस तरीके से सरवाइव कर सकते हो, प्लस ऐसे ऐसे छुपने के जगह बताऊंगा जिसके थ्रू आप पूरी की पूरी स्क्वाड डाउन कर सकते हो इजीली, वो भी अकेले। जी हाँ गाइस, मैं सीजन 8 कॉन्कर का प्लेयर हूँ, मेरे दोस्त लोग भी सीजन 8 कॉन्कर के प्लेयर्स हैं। हमें ये टिप्स एंड ट्रिक्स और सीक्रेट लोकेशन मदद की है कॉन्कर टच करने के लिए, और आपको भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स और सीक्रेट लोकेशन मदद करेगी कॉन्कर लेवल टच करने के लिए। जी हाँ गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते। तो इस वीडियो के दौरान आपको स्क्रीन के ऊपर एनिमल के फैक्ट्स दिखाए जाएंगे, तो इसे पढ़िएगा जरूर। ऑलराइट गाइस, तो ये वाली जो मैं ग्लिच बताने जा रहा हूँ सबसे खतरनाक ग्लिच है प्रिजन में, और ये ग्लिच यूज करके आप किसी को भी मार सकते हो आसानी से, और कोई भी बंदा आपको ढूंढ नहीं पाएगा कि कोई बंदा यहाँ पे भी छुप सकता है। गाइस तो आपको सबसे पहले ऊपर आना है इस जगह पे, ऊपर आने के बाद आपको यहाँ से क्लाइम करना है, यहाँ पे आप ऊपर चढ़ जाओगे, इसके ऊपर चढ़ना होगा। चढ़ने के बाद आपको यहाँ से रनिंग में स्प्रिंट में जंप मारना होगा, यहाँ से जैसा मैं कर रहा हूँ अभी स्प्रिंट में मैंने जंप मारा तो मैं डायरेक्टली झाड़ के ऊपर आके अटक चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं आराम से खड़ा रहूँगा और यहाँ से मैं किसी को भी मार सकता हूँ। जैसा आप देख सकते हो मैंने एक बंदे को नॉकआउट किया अभी अभी, तो मेरे पास स्कोप तो नहीं है, अगर मेरे पास स्कोप हो तो मैं यहाँ से आसानी से किसी को भी मार सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वॉर, आप जब आर्केड वर्ल्ड में वॉर खेलते हो तभी ये प्रिजन की लोकेशन बहुत बार मिलती है आपको, तो यहाँ पे आप ये वाली ग्लिच यूज़ कर सकते हो और किसी को भी मार सकते हो और कोई आपको मार नहीं पाएगा, क्योंकि जैसा देख सकते हो ये पूरा का पूरा ब्लॉक कर देगा हर एक गोली, और कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि मैं पेड़ के बीच में खड़ा हूँ। और गाइस, क्योंकि मैं पेड़ के बीचों बीच खड़ा हूँ तो किसी की भी गोली मुझे बाय चांस लग भी जाती तो मुझे कोई डैमेज नहीं होगा, क्योंकि मैं ग्लिच यूज़ करके पेड़ के बीचों बीच खड़ा हूँ और वो ग्लिच मुझे बचाएगा एक भी गोली से। गाइस, एक गोली मुझे लग नहीं पाएगी क्योंकि ये पेड़ पूरी की पूरी गोलियां ब्लॉक कर देगा, जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ऑलराइट गाइस, तो ये वाली ट्रिक आपको प्रिजन के यहाँ पे जो पिंक कलर का घर दिख रहा है वहाँ पे जाके मिलेगी। आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद आपको ये जो जगह दिख रही है जगह के ऊपर आगे आए जाने तो आप जैसा देख सकते हो ये छोटी सी जगह है मतलब छुपने के लिए। अगर आपके पास अच्छी कोई गन नहीं है, मतलब एक दो गन मतलब बोलते ना कम एमओ के साथ है, तब आसानी से आप यहाँ पे आके सरवाइव कर सकते हो और किसी को पता नहीं चलेगा कि कोई बंदा यहाँ पे है। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन में आपको फायरिंग करनी चाहिए तो आप आसानी से ऊपर आके फायरिंग कर सकते हो और किसी को भी नॉक डाउन कर सकते हो, किसी ने सोचा नहीं रहेगा कि कोई बंदा यहाँ पे रहेगा इस तरीके से। ओके गाइस, तो अगर आप नए हो मेरी चैनल पे तो प्लीज 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 गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी कर दीजिए गाइस, क्योंकि मैं हफ्ते में एक दो वीडियोस ही लाता हूँ और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ आप लोग के लिए। तो प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी कर दीजिए। तो गाइस, ये वाला जो ग्लिच बताने जा रहा हूँ ये ग्लिच हर जगह काम करता है पबजी में, मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले पीक लेना है, फिर एम करना है, फिर राइट एनालॉग ड्रैग करना है, सीधा शूट कर देना है। ये ग्लिच है, बहुत बड़ा ग्लिच है पबजी में, हर जगह आपको ये ग्लिच यूज़ करने मिलेगा। मैं आपको स्लो मोशन में बता दूँ, सबसे पहले राइट पीक कीजिए, उसके बाद एम कीजिए, उसके बाद आपका एनालॉग है वो जो राइट में ड्रैग कीजिए, जैसे ही आप दीवार के आर पार होते हो आपको शूट कर देना है उसी समय, तो आपका जो बाजू वाला बंदा है वो नॉकआउट हो जाएगा। ये ग्लिच है, हर जगह यूज़ कर सकते हो आप। तो आप प्रिजन में हो और आप पे कुछ लोगों का पुश आ रहा है, तब आप उन लोगों को अच्छी तरीके से ट्रोल कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पे ऊपर चढ़ना है, फिर ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे आ जाना है इस खिड़की पे। आप जैसे ही यहाँ पे आओगे फिर यहाँ से सीधा जैसे ही बंदे दिखते आपको फायरिंग शुरू कर देना है, और किसी ने नहीं सोचा रहेगा कि जो टॉप फ्लोर वाला बंदा वो डायरेक्टली यहाँ पे कैसे आ गया, वो भी बिना सीढ़ी इस्तेमाल किए गाइस। तो गाइस, एक और ग्लिच मैं आपको बताना चाहूंगा। सपोज यहाँ पे मेरे दीवार के जस्ट सामने एक बंदा है, उसके पास शॉटगन है, तो मैं भी पुश करने तो जा नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा एम करूंगा, शूट करना शुरू कर दूंगा इस जगह पे। तो जैसा आप देख सकते हो बंदा नॉकआउट भी हो चुका है, तो ये ट्रिक आप भी यूज कर सकते हो। जस्ट आपके सामने जो बंदा है सीधा एम करके शूट करना शुरू कर देना इस तरीके से, तो आपको बंदा नॉकआउट हो ही जाएगा। ओके, तो आपके सामने वाले घर में कुछ बंदे लोग हैं कैंप कर रहे हैं, तब आपको यहाँ पे ऊपर चढ़ना है इस तरीके से और यहाँ से जंप लेना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे। आने के बाद आपको सीधा अंदर घुसना है, सीधा फायरिंग शुरू कर देना है इन दोनों पे। तो गाइस, उन दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा रहेगा कि कोई बंदा यहाँ से आएगा और वो खिड़की से अंदर घुस के इन दोनों को मार भी देगा, तो ये सबसे इजिएस्ट वे है ये वाले घर पे पुश करने का। ऑलराइट गाइस, तो आपको प्रिजन के यहाँ पे दो टावर्स दिखाई देंगे, तो टावर्स के ऊपर आपको बेसिकली चढ़ना होगा। आप जैसे ही यहाँ पे टावर्स के ऊपर चढ़ जाते हो तब आपको यहाँ पे आना है, सिंपली आके आपको जंप का बटन दबाना होगा तो आप इसके ऊपर चढ़ जाओगे, फिर यहाँ के आगे सीधा भाग के यहाँ पे आप रूफ टॉप पे आ जाओगे वेयर हाउस के। यहाँ से आप स्प्रिंट लेके दूसरे वेयर हाउस पे भी जा सकते हो, प्लस यहाँ से भी स्प्रिंट लेके आप तीसरे वाले वेयर हाउस पे भी जा सकते हो इस तरीके से। तो अब जैसा आप देख सकते हो मैंने तीन के तीन वेयर हाउस के ऊपर ऊपर जंप मार के मैं ये तीनों वेयर हाउस घूम चुका हूँ।
ओके गाइस, तो प्रिजन के टेरेस पे और आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके जंप मारना है इस तरीके से और इसके ऊपर चढ़ना होगा यहाँ पे आके। तो आप जैसे यहाँ पे आ जाते हो, जो भी बंदे लोग पुश करेंगे टेरेस पे, तो आप यहाँ से आसानी से उन दोनों पे शूट कर सकते हो। और गाइस इजीली आप 2-3 लोगों को आसानी से नॉकआउट कर सकते हो, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं रहेगा कि कोई बंदा यहाँ पे चढ़ के बैठा रहेगा इस तरीके से। तो गाइस ये सबसे मजेदार ट्रिक है, आप आपके दोस्त लोग के साथ कर सकते हो। आपको यहाँ पे लेटना और गोल 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 आपकी स्क्रीन घुमाया जानी बिल्कुल मेरी तरह। तो जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने अपने दोस्त को इतनी दूर फेंक दिया है और उसकी हेल्थ जरा भी डैमेज नहीं हुई, 1% भी उसकी हेल्थ को अफेक्ट नहीं किया। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसा लगता है। मेरा दोस्त अभी यहाँ पे लेटा हुआ है, वो गोल गोल घूमे जा रहा है और मेरे को वो फेंक देगा ऐसा गोल गोल घूम के। और जैसा आप देख सकते हो मैं नीचे यहाँ पे आ गया बिल्कुल 60 या 50 मीटर्स दूर अपने दोस्त से, मेरी हेल्थ जरा भी नहीं गई गाइस, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आप मजे के लिए सब ट्रिक यूज कर सकते हो। ओके गाइस, आप प्रिजन के टेरेस पे हो और आपको पता है कि ये वेयरहाउस में कोई बंदा है, तभी आपको सिंपली यहाँ पे चढ़ना है। चढ़ने के बाद यहाँ से आपको जंप मारना होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आने के बाद आप आसानी से वेयरहाउस में किसी भी बंदे को मार सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे होल है, तो आप किसी को भी देख सकते हो ऑब्वियसली यहाँ से, और यहाँ से मार भी सकते हो। और किसी बंदे ने सोचा नहीं रहेगा कि कोई बंदा इतने वेयरहाउस के ऊपर से मार रहा है। जैसा आप देख सकते हो मैं तीनों के तीन वेयरहाउस यहाँ से मैं कवर कर सकता हूँ, और जहाँ पे भी बंदे दिखे वहाँ पे मैं मार सकता हूँ। ओके गाइस, तो ये वाली ट्रिक के लिए आपको प्रिजन के सामने जो पिंक कलर का घर दिख रहा है वहाँ पे जाके आपको करनी होगी। आपको सीधा घर के अंदर आना है, ऊपर आना है, यहाँ पे बालकनी में आने के बाद ये दरवाजा खोलना होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे चढ़ना है जैसा मैं चढ़ रहा, फिर वापस देकर जंप का बटन दबाइए और आपको यहाँ पे आके प्रोन कर देना है इस तरीके से। ये ट्रिक तभी काम आएगी जब लास्ट सर्कल प्रिजन यहाँ पे बनता है और आसानी से आप यहाँ पे छुप सकते हो, प्लस किसी को यहाँ से मार भी सकते हो अगर आपके पास स्कोप हो तो। ओके, तो ये वाली ट्रिक आपको प्रिजन के बाजू वाले वेयरहाउस में मिलेगी। आपको यहाँ पे अंदर आना है, अंदर आने के बाद बक्से के ऊपर चढ़े आना है। चढ़ने के बाद आपको यहाँ पे जंप मार के यहाँ पे आना है इस तरीके से, और आपको आगे आए जाने आपको ये स्टूल दिखती है, इसके ऊपर आके यहाँ पे प्रोन करके बैठना होगा और गन इक्विप करके रहना है, और जहाँ से आवाज आती है वहाँ आपको देख के शूट कर देना है। गाइस किसी ने नहीं सोचा रहेगा कि कोई बंदा यहाँ पे चढ़ के इस तरीके से बैठा रहेगा। ओके गाइस, तो अगर आपको एनिमल लवर की थीम अच्छी लगी तो प्लीज गाइस रेटिंग दीजिए 5 out of 1, 2, 3, 4, 5 आपके ऊपर है। अगर आपके पास कोई ऐसे आइडियाज है थीम से रिलेटेड तो प्लीज गाइस मेंशन कीजिए कमेंट में आपके आइडियाज। तो इस वीडियो बनाने में सबसे बड़ी मदद गाइस मेरे दोस्त ने की, एमपी क्रिएटर्स ने। इसकी हर सीजन में 8 या 9 की केडी आसानी से मेंटेन होती थी, प्लस इसने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला एमपी क्रिएटर्स के नाम से। तो प्लीज गाइस इसकी चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बैल नोटिफिकेशन ऑल पे भी कर दीजिए। गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपका एक एक सब्सक्राइब इतना इंपॉर्टेंट होता है और इतनी खुशियां लाते हैं हमारे चेहरे पे, हम आपको बता नहीं सकते। गाइस आपका एक एक सब्सक्राइब, गाइस प्लीज आप इंडिविजुअल हो, मुझे पता है आपको, आप सोचोगे कि एक सब्सक्राइब से क्या फर्क पड़ जाएगा, गाइस बहुत फर्क पड़ता है आपके एक एक सब्सक्राइब से। तो गाइस आप जाइए वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके एक एक सब्सक्राइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्लीज 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 गाइस सपोर्ट दिखाइए इसके चैनल पे, 900 सब्सक्राइबर्स है अभी, देखते हैं इसको कितने सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं 2 दिन में मेरे वीडियो के थ्रू। ऑलराइट गाइस, तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी कर दीजिए, क्योंकि आगे जाके इस तरीके की वीडियो मैं बहुत लाने वाला हूं, जैसे ग्लिचेस के, सीक्रेट लोकेशन के, अच्छी अच्छी छुपने की जगह मैं ढूंढ के आप लोग के लिए मैं अपलोड करूंगा। हफ्ते में एक ही वीडियो डालता हूं और बहुत 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 मेहनत लगती है गाइस इस तरीके की वीडियो बनाने में। तो प्लीज आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी कर दीजिए, और इस महीने का मेरा टारगेट है 3,50,000 सब्सक्राइबर्स। तो चलिए गाइस आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप में आपके जितने भी दोस्त लोग हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आपके जितने भी दोस्त लोग हैं, प्लीज गाइस इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके उस दोस्त लोग तक। इस वीडियो की लिंक उन लोगों को भेजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ आपको चाहिए। प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्त लोग तक, ताकि उनको भी ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स पता चले।